ब्रजलाल जी हमारे साथ हैं। जिस तरह से सर कोर्ट में ने टिप्पणी की है कि लगातार इसी तरह धर्म परिवर्तन होता रहा तो एक दिन बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएंगे, किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, मैं हाईकोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करता हूं और हाईकोर्ट ने असलियत कही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कई ऐतिहासिक जजमेंट दिए हैं और उसमें सही बात उसमें आकर आई है। उसका इलाहाबाद का ये किसी सिलसिले में एक जजमेंट जो तुष्टिकरण कर रहा है, जब अखिलेश यादव ने 14 मुकदमे आतंकवादियों के वापस लिए थे और उसको एक ही दिन वापस ले लिया था, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा आज आप आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रहे हो, कल उनको पद्म भूषण दे दोगे। तो वही हाल जो ईसाइयत बनाए जा रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेषकर वहाँ जो दलितों के लिए पंचायत से लेकर जिला परिषद तक की सीटें रिजर्व है, ब्लॉक प्रमुख है, पता चला वो सीट रिजर्व हो गई और एक धर्म विशेष के लोगों ने एक दलित लड़की से शादी किया, उसको खड़ा किया, उसको जिताया क्योंकि, और जिता करके उसका जो पूरा जो है तंत्र वही चला रहे हैं। तो दलितों का जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है एक दूसरे रूप में ग्रैब किया जाए। क्या धर्म परिवर्तन कराने वालों को पॉलिटिकल संरक्षण मिल रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जो तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं बिल्कुल कर रही है। अभी कांग्रेस के सांसदों से हम बात कर रहे थे, मणिकम टैगोर का कहना है कि बीजेपी ये प्रोपेगेंडा चलाती है और ये लोग जो ऐसी टिप्पणी करते हैं आरएसएस से जुड़े लोग। क्या आरएसएस आतंकवादी संघ है? ये समाजवादी पार्टी पकड़े 14 मुकदमे आतंकवादियों को वापस ले लिए, इंडियन मुजाहिदीन के लश्कर ए तैयबा के, क्या ये आतंकवादियों के साथ है? तो खड़े हैं, उसके एविडेंस हैं, ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं है। बंगाल में क्या हो रहा है, एक लेडी को सड़क पर पीटा जा रहा है अभी दो दिन पहले, और इस पर कांग्रेसी नहीं बोलेंगे कुछ? तालिबानी शासन नहीं है, पीट रहा उस लेडी को, ये दुष्ट है, जानवर है। तो ये लोग इसी चीज को जो तुष्टिकरण के राजनीति के साथ किसी हद तक जा सकते। बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी सांसद हैं ब्रजलाल, पूर्व आईपीएस अधिकारी भी हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को संरक्षण मिलता है जो धर्मांतरण में लिप्त हैं, लिहाजा ऐसी चीज़ें होती हैं और वो कोर्ट की टिप्पणी को जायज़ ठहरा रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, इंडिया डेली।